ऑल राइट गाइस, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही था कि मैंने जूपरा सक्सेसफुली रोबरी कर ली थी जूपरा की, तो आज की वीडियो में हम जूपरा को मॉडिफाई करा के सेल करने वाले हैं। बिकॉज किसी भी चुराई हुई चीज़ को मैं अपने पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रखता हूँ, नहीं तो चुराई हुई चीज़ से हमें खतरा रहता है कि हम पुलिस के हाथों पकड़े नहीं जाए। सो गाइज, मैं बैठ जाता हूँ जूपरा में और जूपरा में बैग गेल लगा के अपने गैराज से बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि मैं जूपरा को मॉडिफाई कराने वाला हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड है जिसकी कार मॉडिफिकेशंस की शॉप है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मेरी कार को मॉडिफाई भी कर देगा और मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देगा, और ख़ासकर मेरी कार में तो और अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन करता है। एक बात तो है, जूपरा मैं पहले से काफ़ी अच्छी चला लेता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम जूपरा चलाई थी तो कभी उधर ठुक रही थी तो कभी इधर ठुक रही थी। मैं ये तो नहीं कह रहा मैं बिल्कुल अच्छी चला लेता हूँ अब जूपरा, लेकिन पहले से तो बहुत अच्छी चला लेता हूँ। बातों ही बातों में दुकान भी आ गई मेरे फ्रेंड की, जो दुकान है ये मेरे फ्रेंड की है। मेरे फ्रेंड ने अपनी शॉप पहले से तो काफ़ी अच्छी करा ली, थोड़ा बहुत कलर भी चेंज कर दिया, ये बड़ा वाला डोर भी लगवा दिया। तो चलता हूँ अपने फ्रेंड की शॉप के अंदर। सो गाइज, मेरे फ्रेंड ने मेरी कार मॉडिफाई कर दी है, उसने वाइट कलर कर दिया है मेरी कार का, और अलॉय व्हील भी काफ़ी चेंज कर दी, और बता रहा था उसने अंदर से भी काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं। ये वाइट कलर में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, फ्रंट लुक चेक करो कितनी प्यारी लग रही है। अब तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं इसे सेल कर दूँ। फिलहाल तो मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ जूपरा को सेल करने, वो कार्स के नकली पेपर्स बनाता है और उन्हें सेल कर देता है। मैंने भी उससे बात भी करी थी, वो कह रहा था जूपरा को तो मुझे ही सेल कर दे, मैं इसे अपने आप सेल कर दूंगा आगे। तो मैंने भी डील डन कर दी। मेरा फ्रेंड विलेज एरिया के साइड पर रहता है, तो मैं अभी तो वहीं को जा रहा हूँ। मुझे तो पुलिस वालों से बचते हुए जाना होगा, मेरे पास गाड़ी के पेपर्स नहीं है, उन्होंने मांग लिए तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये कार मेरी चुराई हुई है और वो मुझे जेल में डाल देंगे। किसी तरह पुलिस से बचते बचाते आ तो गए विलेज में। ये वाला विलेज ही है मेरे फ्रेंड का विलेज, और उसने फ़ोन पे बता दिया था ये रेड वाला घर इसी का ही है। तो कार को जल्दी से यहीं पार्क कर देते हैं और चलते हैं इसके घर के अंदर। वैसे भी अब कार इसी की हो जानी है, तो कहीं वो पार्क कर देते हैं, चलते हैं इसके घर के अंदर। ऑलराइट गाइस, मैंने अपनी जूपरा सेल कर दी है और अपनी जूपरा को लास्ट टाइम देख भी लेता हूँ, क्या पता आज के बाद मुझे अपनी ये जूपरा देखने को मिले या ना मिले। चलो, अब मेरा मन तो नहीं था जूपरा को सेल करने का, लेकिन अब कर दी तो कर ही दी। मेरा फ्रेंड मुझसे बता तो रहा था कि यहाँ पर ही मेरी बाइक खड़ी है, मेरी बाइक ले जाना, तो कहाँ ऑटो के ढक्के खाते फिरेगा। तो मैंने भी कह दिया हाँ ले जाऊँगा। मैं आपसे एक बात बताना तो भूल ही गया कि मेरी जूपरा पूरे 50 लाख की बिकी है, उसने मुझे पैसे भी दे दिए हैं, जो बैग है इसके अंदर ही हैं पैसे। तो 50 लाख में से 25 लाख मेरे और 25 लाख एडी के, क्योंकि उसी का प्लान था। मेरा अब मन कर रहा है कि इन 25 लाख में से मैं एक बुलेट ले लूँ जब से ये बुलेट चलाई है, और एक थार ले लूँ, क्योंकि थार तो सबकी पसंद होती ही है। एडी के घर के लिए हमें यहाँ से राइड लेना है, और एडी ये बात सुन के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि जूपरा 50 लाख की बिकी है, और एडी को मैं उसके 25 लाख रुपीज़ भी दे दूंगा। मैं इसलिए ही जा रहा हूँ एडी के घर पे। और एक बात और कि मुझे अपनी स्कॉर्पियो भी लेनी है, जब मैं रोबरी करने गया था कार की तो मेरी स्कॉर्पियो में हुई छोड़ गया था, एडी ने अपने बंदे को कह के ले स्कॉर्पियो मंगा ली थी। तो ये आ गया एडी का घर, ये सामने वाला एडी का ही घर है। बुलेट तो मैंने अपनी पार्क कर दी और अब बुलेट पे से उतरता हूँ, चलता हूँ एडी के घर के अंदर। एडी शायद से अपने घर पे भी होगा या नहीं होगा, मैंने उससे फ़ोन करके तो नहीं पूछा था कि तू घर पे है क्या। चलो, मैंने एडी के उसके 25 लाख रुपीज़ दे दिए हैं, और बाकी के मैं अपने पैसे ले आया हूँ। कि वो मैंने उससे पूछा था कि मेरी स्कॉर्पियो कहाँ पर है, तो बता तो रहा था ये रही घर के पीछे। चलो, ये रही मेरी स्कॉर्पियो, बहुत दिनों के बाद देखी है तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले से, और इसे चलाने को भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मैंने एडी से पूछा था कि और हमें किस चीज़ की रोबरी करनी है, तो एडी ने बताया तो था कोई फ्लाइंग मशीन आने वाली है एयरपोर्ट पे 2-4 दिन के अंदर ही अंदर, तो हमें उस चीज़ की रोबरी करनी है। वैसे उसके लिए हमें थोड़ी मुश्किल होने वाली है, पुलिस की भी सिक्योरिटी रहेगी। चलो, जो होएगा देखा जाएगा। सो गाइज, आज की वीडियो में यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करना, चैनल तो आपने सब्सक्राइब अभी तक करा ही नहीं होगा तो उसे प्लीज़ कर देना ध्यान से।